नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 सितंबर गुरुवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव गणेश चतुर्थी आज परंपरागत बड़ी श्रद्धा एवं धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिससे माहौल भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर राजधानी जयपुर में प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन किया गया। सुबह मंगला आरती के बाद विशेष श्रृंगार आरती हुई। इस मौके पर मंदिर को सजावट एवं रोशनी से सजाया गया है। वैश्विक महामारी कोरोना की गाइडलाइन के चलते श्रद्धालुओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित है, लेकिन ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई है और लोग घर बैठे दर्शन कर रहे हैं। राजस्थान के कई इलाकों में मानसून की भारी बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिन में कई जगह अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार अगले 3-4 दिन पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर भागों में मानसून सक्रिय होगा, जबकि पश्चिमी राजस्थान के लिए भी कुछ स्थानों पर मौसम के सक्रिय होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। इस दौरान राज्य के जालौर, पाली, नागौर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ आदि जिलों में कई स्थान पर यह भारी बारिश की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए भवानीपुर सीट से नामांकन दाखिल किया है। यहां बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिबरीवाल से उनका मुकाबला होगा। ममता विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से मैदान में उतरी थी, लेकिन उन्हें बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के हाथों 1956 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। कानून के अनुसार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 5 नवम्बर से पहले राज्य विधानसभा का सदस्य बनना होगा। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की दोनों डोज लेने से अस्पताल में भर्ती होने की संभावना काफी कम हो जाती है। अमेरिका में करीब 200 अस्पतालों के आंकड़ों की स्टडी में यह खुलासा हुआ है। इसमें बताया गया है कि वैक्सीन से हाई लेवल का प्रोटेक्शन डेवलप होता है। वहीं भारत सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर गुरुवार को जानकारी साझा की। इसमें बताया गया कि वैक्सीन का पहला डोज लगने के बाद मौत की संभावना 96.6% तक कम हो जाती है। वहीं दूसरे डोज के बाद आशंका 97.5% तक कम हो जाती है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की उदयपुर टीम ने डूंगरपुर जिले के परिवहन विभाग के एक उपनिरीक्षक सहित 3 कर्मचारियों को ट्रक चालकों से अवैध वसूली करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने बताया कि टीम ने बृहस्पतिवार देर रात कार्यवाही करते हुए रतनपुर बॉर्डर पर परिवहन विभाग के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय RTO के एक नाके पर उपनिरीक्षक मोहम्मद तौसिफ, गार्ड बंशीलाल और विभाग के चालक राकेश को ट्रक चालकों से अवैध वसूली करते हुए गिरफ्तार किया। संसद के मानसून सेशन के दौरान राज्यसभा में हंगामे की जांच समिति से कांग्रेस और दूसरी विपक्ष पार्टियों ने किनारा कर लिया है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति को पत्र लिखकर कहा कि यह समिति सांसदों को धमकाने का प्रयास है ताकि वे चुप रहें। इससे लोगों के प्रतिनिधियों की आवाज दबेगी और सरकार को जो नहीं सुहाता उसे दरकिनार किया जाएगा। इसलिए 11 अगस्त की घटनाओं की जाँच के लिए समिति से कांग्रेस ने दूरी बनाई है। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पाली जिले के जटारण क्षेत्र में बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता महेंद्र कुमार मीणा को 25,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में आज गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो के अनुसार श्री मीणा ने एक परिवादी से 1 साल पहले आवेदन किए बिजली के कनेक्शन एवं उसके लिए विद्युत पोल लगाने की एवज में 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। राजस्थान सरकार द्वारा आमजन की समस्याओं के मौके पर ही समाधान करने के लिए 2 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाले प्रशासन गांवों के संघ अभियान 2021 में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा भी कई महत्वपूर्ण कार्यों के माध्यम से जनता को राहत दी जाएगी। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले राहत के इस अनुष्ठान के तहत भवन रहित 813 मांबाड़ी केंद्रों को भूमि का आवंटन कराया जाएगा। इसमें बांसवाड़ा में 10, प्रतापगढ़ में 76, डूंगरपुर में 90, उदयपुर में 107, चित्तौड़गढ़ में 5, आबू रोड में 10, राजसमंद 6, पाली 9 मांबाड़ी केंद्रों को भूमि आवंटित होगी। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली अवनी लेखरा, कृष्णा नागर सहित राजस्थान के 4 खिलाड़ियों के आज जयपुर पहुंचने पर हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत किया गया। टोक्यो पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण एवं एक कांस्य पदक जीतने वाली अवनी लेखरा, स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा नागर, रजत पदक विजेता देवेंद्र झाझड़िया तथा कांस्य पदक विजेता सुंदर गुर्जर के जयपुर हवाई अड्डे पर पहुंचने पर प्रदेश के खेल मंत्री अशोक चांदना ने उनकी अगवानी की और उनका स्वागत किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद से सरदार धाम भवन का लोकार्पण करेंगे। साथ ही पीएम मोदी सरदार धाम फेज सेकंड कन्या छात्रालय का भूमि पूजन भी करेंगे। पीएमओ की ओर से यह जानकारी दी गई है। रेट की परीक्षा की तैयारियों को लेकर धौलपुर के जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक हुई। कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने रीट परीक्षा के आयोजन को लेकर मजबूत तैयारियां एवं प्रबंधन करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि रीट परीक्षा का आयोजन 26 सितंबर को होगा। इसके लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर पारदर्शिता के साथ रीट परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।